हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो आप देख रहे हो जैस्मिन किचन। तो मैं आज एक हेल्थी पराठा का रेसिपी लेके आई फ्रेंड। ये डोमेस्टिक का पत्ता का पराठा और इसका ट्री मिरेकल कहा जाता है। 300 के ऊपर इसका दवा का गुण रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पत्ता ले लिया। इतना टेस्टी, इतना सुपर पराठा बनता है इसमें, एकदम हेल्थी पराठा है। तो ये कैसा बनता है, तो चलिए हम देखें कैसा बनता है। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स, मैंने पत्ता ले लिया डोमेस्टिक का पत्ता, अच्छा से क्लीन करके धो के लिया। मैंने 2 से 3 पानी में अच्छे से धो के लिया। देखिए मैंने एकदम बारीक बारीक कौला पत्ता लिया। अब इसे हम अच्छे से बारीक बारीक करके कट करके लेंगे चाकू की मदद से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बारीक बारीक करके कट करके लेने का। अरे बहुत सुपर टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आपको तो पता है। डोमेस्टिक का पत्ता, सहजन का पत्ता भी इसे कहा जाता है। यह तबीयत के लिए कितना अच्छा रहता है, बहुत हेल्थी रहता है। यह शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसका पत्ता और इसका फलिया को रामबन कहा जाता है, इतना इसमें दवा का गुण रहता है फ्रेंड्स। देखिए मैंने बारीक बारीक करके कट करके लिया। अभी एक बर्तन लिया, उसमें कटा हुआ जो भी पत्ता था मैंने इसमें डाल के लिए। देखिए फ्रेंड, तो मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मैं एक कटोरी गेहूं का आटा लिया और आधा कटोरी मैंने बेसन लिया फ्रेंड। और इसी में मैं 2 चम्मच भर के दही डाल के लूँगी, क्योंकि उससे पराठा एकदम हमारा नरम बनेगा। और मैं थोड़ा सा अजवाइन लिया और हाथ से उसे अच्छा से क्रश करके डाल के लूँगी। तो मैंने अदरक और 2 ग्रीन चिल्ली को अच्छे से कूट के लिया, वो भी डाल के लिया। मैंने 1/2 चम्मच चिल्ली पाउडर डाल के लिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के लिया, 1/2 चम्मच में भुना हुआ जीरा पाउडर डाल के लिया। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के लेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर और हरा धनिया डाल के लिया। और 1 चम्मच भर के मैंने वाइट तेल डाल के लिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और कुकिंग ऑयल लिया मैंने। और इसको अभी सारा अच्छा से मिक्स करके एक डो बना के लेंगे और हल्का हाथों से इससे मिक्स करके लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा से एक डो बना के लेने का फ्रेंड। देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके लेने का हल्का हाथों से। अरे बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनते हैं फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा। अरे बच्चों को टिफिन में भी इजीली आप दे सकते हो, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से बना के दोगे तो बच्चा ना नहीं कहेगा। ऐसा तो सब्जियां कौन सा भी खाने के लिए बच्चे लोग थोड़ा नकराई करते हैं। तो आप इस तरह से कौन सा भी पराठा, गोभी का हो कौन सा भी पराठा, आप बना के बच्चों लोग को दोगे तो बच्चों लोग आराम से खा लेते। तो मैंने देखिए थोड़ा सा आटा डाल के लिया। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से हाथ से मसल के छोटा छोटा पीस करके कट करके लेंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाने का वो हिसाब से आप इसको कट करके लीजिए। तो देखिए मैं थोड़ा आटा लगा के अभी हल्का हाथों से इसको बेल के लेंगे। आप इसको इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो, ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हो, मैं गोल शेप में बना रहे फ्रेंड। आपको जो भी शेप पसंद हो वो शेप में आप बना के लीजिए। तो मैंने गैस में तवा गर्म करने को रख दिया था फ्रेंड, और उसमें थोड़ा सा मैं तेल ग्रीस करके लिया। अब पराठा को डाल के लेंगे। तो पराठा डाल के लिया मैंने, पलटी भी करके लिया। देखिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डाल के लिए, आप घी भी डाल के ले सकते हैं, यह ऐसे भी हेल्थी है। और घी डाल के ले गए तो और भी आपका पराठा हेल्थी प्रोटीन बन जाएगा। तो देखिए दोनों साइड अल्टी पल्टी करके इसको अच्छे से फ्राई करके लेने का। तो मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना भूलिए मत फ्रेंड। तो मैं इस तरह से बना के लिया। देखिए अब एक प्लेट में निकल के लूँगी।
देखिए, कलर देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया पराठा का। मैं दूसरा भी डाल के लिया, इसे भी थोड़ा तेल लगा के इसे भी अल्टी पल्टी करके दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करके लेंगे। ये सेम मेथी पराठा का जैसे ही लग रहा है फ्रेंड, लेकिन मेथी पराठा का टेस्ट दूसरा रहता है, इसका टेस्ट दूसरा है। देखिए इस तरह से, देखिए पूरा बना के लेने का फ्रेंड, कितना अच्छा कलर एकदम गोल्डन बना है दोनों साइड में। तो मैं इसी तरह से सारा पराठा बना के लूँगी फ्रेंड, लेके आपको दिखाती। देखिए मैं पूरा पराठा को बना के लिया फ्रेंड, कितना अच्छा कलर आया, अरे इतना खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत सुपर बनते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी घर पर बनाइए, आपकी फैमिली आपको बच्चों को सबको खिलाइए। तो एक प्लेट में मैं पूरा पराठा को डाल के लूँगी फ्रेंड्स। देखिए मैं 1.5 कप आटा में, देखिए हमारा कितना सारा पराठा बन के रेडी हो गया। अब बच्चों को टिफ़िन में या जो भी जॉब में जाता है उसका टिफ़िन में आप इजीली पराठा दे सकते हो। आप ये पराठा को दही के साथ खाइए फ्रेंड, बहुत टेस्टी और बहुत एमी लगता है दही के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दही के साथ ही डाल के लिया इसे, उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्ली, रेड चिल्ली पाउडर डाल के लिया। आप चाट मसाला भी दही में डाल के मिक्स करके लेके आप खा सकते हो। तो इसी तरह से मेरा रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए फ्रेंड। थैंक यू।